दोस्तों, पिछले 2-3 दिनों से बहुत सारे किसान भाइयों के फ़ोन कॉल्स और व्हाट्सएप पे भी मैसेज आए हैं कि अब 5वें महीने में यानी मई में नरमे की कौन सी किस्म लगाएं जिससे अच्छी पैदावार हो सके। सबसे पहले तो अपने बात कर लेते हैं नरमा बिजाई का सबसे अच्छा टाइम कौन सा होता है। तो 15 अप्रैल से 15 मई के बीच में आप नरमा की बिजाई कर सकते हैं। काफ़ी उपयुक्त समय यानी सूटेबल टाइम नरमा बिजाई के लिए होता है। जो किसान भाई अगले 1-2 दिनों में नरमा बिजाई का प्लान बना रहे हैं, वो अपने प्लान को 1-2 दिनों के लिए थोड़ा डिले कर दें, क्योंकि अगले 3 दिनों तक मौसम विभाग ने जो बूंदाबांदी यानी बारिश के आसार व्यक्त किए हैं। ऐसे में अगर बारिश ऊपर हो जाती है तो नरमा क्रूंड होने का खतरा रहेगा। जो किसान भाई आने वाले 5 से 10 दिनों में नरमा कपास की बिजाई करने की सोच रहे हैं, या यूँ कहें कि 10 से 15 मई के बीच यदि आप नरमा कपास की बिजाई करने वाले हैं, तो आप ऐसी वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं जिनमें फ्लोरिंग थोड़ी लेट शुरू होती है, जैसे कि राशि सीड्स का 776 है, इसके अलावा US 51 या 71 है, इसके अलावा बात करें बायर का 71-72 भी है, या फिर अजीत सीड्स का 155 है, अजीत सीड्स का 177 है। आप इन वैरायटियों का चुनाव कर सकते हैं। यदि आप 15 मई के बाद कॉटन बिजाई करने वाले हैं तो ऐसी किस्मों का चुनाव आपको भूलकर भी नहीं करना है जिनमें लेट फ्लोरिंग शुरू होती है यानी कई दिनों बाद प्रोडक्शन शुरू होता है। हालांकि अगर इस साल की बात करें तो बीटी कॉटन में जो पिंक बॉलवर्म यानी गुलाबी सुंडी के अटैक के चलते जो संभावनाएं बन रही है, तो ऐसी वैरायटी का चुनाव करने से बचें जो कई दिनों बाद यानी लेट फ्लोरिंग शुरू होती है। चाहे आप कभी भी लगाएं, कम दिनों वाली वैरायटी का चुनाव करें जिससे आपका कहीं ना कहीं जो उत्पादन है वो कम प्रभावित हो। जिसमें राशि का 773 जो है, जो कि 160 से 165 दिन की वैरायटी है, US 91 है, 155 से 165 दिन में पककर तैयार हो जाती है। नुजिवेटू सीड्स का टैलेंट है, 150 से 160 दिन की वैरायटी है। इसके अलावा अंकुर का आज 555 है, 160 से 165 दिन। सवाल 5 है, 160 से 165 दिन। और टाटा का दिग्गज है, 155 से 160 दिन में पककर तैयार हो जाते हैं। तो आप इन वैरायटियों का चुनाव अपनी भूमि और पानी की उपलब्धता के अनुसार कर सकते हैं। कुछ एक और महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका किसान भाई विशेष तौर पर ध्यान रखें। नरमा कपास की बिजाई हमेशा शाम के समय करें और बिजाई पूर्व से पश्चिम दिशा में ही करें और मिट्टी में पर्याप्त नमी की मात्रा हो ये भी सुनिश्चित कर लें। इस साल नरमा कपास की बिजाई में किसान भाई लाइन से लाइन और पौधे से पौधे की दूरी ज़्यादा रखें ताकि हवा का और प्रकाश का सही से प्रसंचरण हो, जिससे गुलाबी सुंडी का अटैक कम हो। अब की बार नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का प्रयोग भी आपको काफ़ी कम करना है। बिजाई में जिंक सल्फेट जरूर डालें। सिंचाई में भी पौधे की आवश्यकता के हिसाब से ही करें। पहली सिंचाई हमेशा 45 से 50 दिन बाद ही करें और 45 से 50 दिन बाद पहली सिंचाई करते ही अपने खेत में 4 फेरोमोन ट्रैप जरूर लगा दें। एक बात का और किसान भाई विशेष तौर पर ध्यान रखें, सारे एक ही कंपनी के बीज न लगाएं। अपने आसपास के किसानों से बात करके अपने क्षेत्र में मिट्टी और पानी की उपलब्धता के अनुसार ही वैरायटी का चुनाव करें। जानकारी पसंद आए तो इसे अधिक से अधिक लाइक व शेयर जरूर करें। और दोस्तों, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।